महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज है, इसे लेकर अब दिल्ली में फैसला होने की बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सरकार गठन की हलचल तेज, सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय। महाराष्ट्र में बंपर जीत हासिल करने के बाद महायुति के दलों की अलग अलग बैठकों के साथ ही साझा बैठकों का दौर भी जारी है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है, इसीलिए इससे पहले सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसीलिए सूत्रों के हवाले से खबर है कि 25 तारीख को सोमवार को शपथ ग्रहण संभव है। हालांकि अभी तक सीएम पद का चेहरा साफ नहीं हुआ है, लेकिन तीनों दलों की बैठक में इतना तय हो गया है कि सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होगा। महायुति की पार्टियों में हर 6 से 7 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला भी फाइनल हुआ है। इस हिसाब से भाजपा के 22 से 24, शिंदे गुट के 10 से 12 और अजीत गुट के 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस महाजीत के 3 चेहरों में से यानी बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजीत पवार में से किसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इसका फैसला इन तीनों की मौजूदगी में दिल्ली में बीजेपी आला कमान के साथ मीटिंग के बाद तय होना है। यानी तभी पता चलेगा कि कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम। एक सूत्र स्पष्ट है कि जिसकी सीटें ज्यादा हैं, सीएम उसी पार्टी का होगा। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और दूसरे बड़े नेताओं की बैठकों ने फडणवीस के सीएम बनने की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। हालांकि सीएम पद को लेकर सीएम शिंदे ने जीत के बाद कहा था कि चुनाव के पहले तय नहीं था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसका ही सीएम बनेगा। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी, जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है, हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठ कर उसके ऊपर निर्णय। इस बीच महायुति की तीनों पार्टियों की अलग अलग और एक साथ बैठकों का दौर चलता रहा। विपक्षी नेताओं ने भी बैठकें की, जबकि एकनाथ शिंदे के सभी विधायकों को बांद्रा के ताज लैंड्स इंस होटल में रखा गया। बताया जा रहा है कि शपथ तक सभी विधायकों को होटल में ही रुकने के आदेश दिए गए। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि खबर है सीएम के नाम का ऐलान होते ही सोमवार को मुंबई राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह संभव है। टीम न्यूज नेशन, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।